हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन रेसिपी चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कद्दू कढ़ी कैसे बनाते हैं। बेसिकली मैं आपको बताने जा रही हूँ कद्दू को कर्ड में कैसे बनाया जा सकता है। चलिए इंग्रेडिएंट्स में देखते हैं। मैंने ले लिया है 500 ग्राम कद्दू, एक बड़ा बाउल दही का, एक बड़ा प्याज लिया जिसे मैंने इस तरह लंबा लंबा काट लिया है, 3 से 4 कटे हुए टमाटर ले लेंगे, करी लीव्स, 2 टीस्पून कस्तूरी मेथी, अगर आपके पास कच्चे मेथी हो तो आप वो भी ले सकते हैं, 3 से 4 हम ग्रीन चिली ले लेंगे जिसे मैंने इस तरह लंबा कट किया हुआ है। तड़के के लिए मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून सरसों, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून कलौंजी सीड। ले लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम कद्दू को छील के काट लेंगे। कद्दू को इस तरह थोड़ा बड़ा काटना है, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा बड़ा ही काटा है ताकि सब्जी बनाते समय ये घुले ना। कद्दू बहुत जल्दी पक जाता है तो हम थोड़ा साइज़ में बड़ा ही काटेंगे। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन में 4 टीस्पून ऑयल ले लिया है जिसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। हम देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम उसमें जीरा, सरसों, करायत और अजवाइन डाल लेंगे। साथ ही हम मिर्ची और करी लीव्स डाल लेंगे। इस तरह हम थोड़ा सा उसे भूंज लेंगे। हम देख सकते हैं मिर्ची अच्छे से भूंज गई है, तो अब हम इसमें लंबे कटे हुए प्याज डाल लेंगे। अब हम प्याज को ढक कर हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे। 2 मिनट के बाद हम देख सकते हैं हमारा प्याज जो है हल्का ब्राउन हो गया है। जब प्याज हल्का गोल्डन कलर का होने लगे तो हम कस्तूरी मेथी ऐड कर देंगे। बस कच्चा मेथी है तो आप प्याज डालते समय ही साथ में डालें ताकि मेथी भी अच्छे से भूंज जाए। आपको ध्यान रखना है कस्तूरी मेथी आपको प्याज के बाद ही डालना है, नहीं तो वो जल जाएगा और सब्जी को कड़वा कर देगा। कस्तूरी मेथी को भी प्याज के साथ पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम कद्दू ऐड कर लेंगे मिक्सर में। हम इस तरह एक बार मिला लेंगे और इसे ढककर पकाएंगे। हमें बीच बीच में इसे चम्मच चलाते रहना है ताकि कद्दू चिपके ना, और कद्दू बहुत जल्दी ही पक जाता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। 3 से 4 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। कद्दू का एक पीस लेकर हम उसे नाइफ से या चम्मच से प्रेस करके देखेंगे। देख सकते हैं कद्दू प्रेस नहीं हो रहा है अच्छे से, तो हम इसे थोड़ा देर के लिए और पकाएंगे, करीब 3 से 4 मिनट और। कद्दू को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये गल जाएगा पूरी सब्जी में। कद्दू लाइट ब्राउन कलर का हो जाए और हाफ प्रेस होने लगे तो हम उसमें टमाटर डाल देंगे। इस तरह हम बीच में टमाटर डाल देंगे और ऊपर से स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और ढककर इसे पकाएंगे जब तक टमाटर गल जाए। इस तरह हम टमाटर को बीच में रखते हुए कद्दू को ऊपर डाल लेंगे ताकि टमाटर गल जाए और कद्दू है जो ऊपर आ जाए और ज़्यादा ओवर कुक ना हो। ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। उसी समय हम अब कर्ड को मथ लेंगे। थोड़ा सा एक बड़े बॉल में हम कर्ड डाल लेंगे और थोड़ा पानी डालकर हम इस तरह मथ लेंगे ना, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सब्ज़ी में जाकर फट जाएगा और टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक गया है, गलने लगे हैं टमाटर, और कद्दू भी अच्छे से पक चुका है साथ ही में। अब हम उसमें मसाले ऐड कर लेंगे। उसके लिए मैंने ले लिया है 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 चम्मच चलाकर सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिला लेंगे और मसाले को पकने देंगे कद्दू के साथ। हमें ख्याल रखना है कि हमें बहुत चम्मच बार बार नहीं चलाना है, नहीं तो कद्दू टूट जाएंगे। इस तरह हमने अच्छे से मसाले को मिला दिया है कद्दू के साथ और पकने दिया है। करीब 30 सेकंड बाद जब मसाले अच्छे से पक जाए तो हम उसमें 1/2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। हम कद्दू को थोड़ा पानी में इस तरह मिला लेंगे। अब हम गैस हाई फ्लेम में कर लेंगे। देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है, तो अब हम उसमें कर्ड डाल देंगे और अब इस तरह हम चम्मच चला देंगे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे सभी इंग्रेडिएंट्स को और पकने देंगे हम कर्ड के साथ कद्दू को। अब दही के साथ कद्दू मसाले सभी पक जाएंगे अच्छे से और सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा। देख सकते हैं कढ़ी में उबाल आने लग गया है, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और ये देखिए कद्दू भी टूटा नहीं है। आपको भी ये ध्यान में रखना है कि जब आप ये कद्दू कढ़ी बनाएं तो कद्दू आपका मैश ना हो, गले ना। हम गैस ऑफ कर देंगे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा अपने आप थिक हो जाएगा। गैस बंद करने के बाद हम कढ़ी को ढक लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया कढ़ी का, और इस तरह हमारा कद्दू कढ़ी तैयार है। आप इसे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं गरम गरम। फ्रेंड्स, ये कढ़ी चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर ट्राई करें। इस तरह हमारा कद्दू कढ़ी तैयार है। आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।